राजा वीर विक्रमा जी दामोल नगरी में शहर कर रहे थे। चलते चलते खांडेराव परी के महल के सामने पहुंचे। खांडेराव परी ने राजा वीर विक्रमा जीत को देखा तो न्यू कहने लगी कि आका देख बटे मूर्ख, अरे ठोक कर लग गया पाबिड़ के। और खांडेराव परी ने मानस लाखों घेर दिए गड़ के। इतनी बात राजा वीर विक्रमा जीत के छाती में सेल की तरह चुभ गई। न्यू कहने लगे इस खांडेराव परी का घमंड तोड़ना है, इससे शादी करनी है। अपने महलों में पहुंचे, उदास देखा खांडेराव। रानी रतन कौर ने उदास देखा राजा वीर विक्रमा जीत को तो पूछने लगी कि महाराज क्या हुआ, बड़े उदास हो। तो न्यू कहने लगे कि रानी आज मैंने खांडेराव परी को देखा और जैसे ही मैंने उसको देखा तो उसने मुझे एक छाती में तीर से चुभो दिए, ऐसा ताना मार दिया। ऐसा क्या ताना मार दिया महाराज? न्यू कहने लगे चाहे कुछ भी हो, उसका जो ताना है मेरी छाती में जख्म कर गया और उसका ताना मैं जब ही तोड़ूंगा जब मैं उससे शादी कर लूंगा। राजा अपनी रानी रतन कौर को कहते हैं कि मैं खांडेराव परी से शादी करूंगा। रानी रतन कौर न्यू कहने लगी महाराज मैं अपने पिताजी से कह के आपकी शादी खांडेराव परी के साथ करवाऊंगी। राजा वीर विक्रमा जीत का रिश्ता लेकर रानी रतन कौर के पिताजी खांडेराव परी के पास जाती हैं और खांडेराव परी न्यू कहने लगी शादी करनी है ना तो मेरी शर्त निभानी होगी, और एक दो शर्त नहीं पूरी 16 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्त आइए सुनते हैं रागनी में। कैसे है मेरी गल्या ब्याह करवाना, यो धक्का पेल नहीं से सोला सरते पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से हो। सोला सरते पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। कदे ताज के तेज बिछाऊ ताज के तेज बिछाऊ तेरे आराम करण की खातिर शतरंज सेज बिछाऊ ना बिलंग गलीचे मैं तेरी कदे करके हेज बिछाऊ बिलंग गलीचे मैं तेरी कदे करके हेज बिछाऊ दारू पी के लेट
जाल जखोड़ू मैं फिरू सांडनी जंगल के माँ फिरू सांडनी जंगल के माँ मेरा गली लगे नहीं से सोना सते पुबानी होगी हंसी के नहीं से पाप का कोन्या मैं तिने जानू सुमेरे लेस पाप का कोन्या हेरे गंधर्व किन्नर रह रुखाले डर तीन ताप का कोन्या जुनसा पहले बोलेगा वो असल बाप का कोन्या जुनसा पहले बोलेगा वो असल बाप का कोन्या इसी को भात करो कोन्या वीर मरण की होया करे से इसी को भात करो कोन्या हर ओड पहर सिंगर के ने तेरे हाजिर गात करो कोन्या लक्ष्मी चंद पेज की पूरी कदे भी बात करो कोन्या लक्ष्मी चंद